में सारस देख सकते हैं आप लोग, सारस बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोगों को। अब तो काफी दूर तक दिखाई दे रहा होगा तालाब, जिसमें टोटल कमाली। हेलो गाइस, माय फर्स्ट व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं पच्ची विहार, नवाबगंज पच्ची विहार। और आप लोग देख रहे हैं पच्ची विहार का, ये नवाबगंज का पच्ची विहार उन्नाव जिले का सबसे फेमस जगह है। आप लोग सामने देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पच्ची विहार नवाबगंज में है। और यहाँ उन्नाव जिले का सबसे फेमस पच्ची विहार है। तो अभी हम इसके अंदर चल रहे हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं अंदर, और अंदर के भी आप लोगों को लोकेशन दिखा रहे हैं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, तो अभी अंदर आ चुके हैं भाई। सामने हमारे दोस्त खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हम अंदर जाके देखते हैं, पहली बार आए हैं, कैसा माहौल है। और अभी यहाँ पर बोलते हैं टिकट भी कटानी पड़ती है, तो गाइस हम टिकट भी कटाएंगे। अगर टिकट कटती है तो हम टिकट कटा के अंदर जाएंगे, अंदर जाके लोकेशन देखेंगे, आप लोगों को अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी मिलते हैं आप लोगों को थोड़ा अंदर चल के। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं, ये सामने हमारी बाइक खड़ी है और सामने दोस्त लोग भी खड़े हैं, अभी हम चल रहे हैं अंदर। तो गाइस इधर थोड़ा मतलब कार्यालय वगैरह टाइप में बने हुए हैं, और अभी टिकट घर देखेंगे किधर है। और भाई टिकट घर किधर था? तो भाई टिकट घर इस साइड में है, इधर टिकट घर है। और अभी हम लोग चल रहे हैं उधर टिकट कटाने के लिए, बोलते हैं भाई टिकट कटती है यहाँ पर, तो हम लोग टिकट कटाने चल रहे हैं अभी। तो चलते हैं अब टिकट कटा के, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस नवाबगंज में जैसा आप लोग देख रहे हैं, नवाबगंज पच्ची विहार में, और काफ़ी सारा जंगल भी है यहाँ पे। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं आगे हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। ये सामने आप लोग इधर भी देख सकते हैं जंगल है टोटल, और इधर भी सामने गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग टिकट कटाने के लिए आ चुके हैं, ये सामने टिकट काउंटर है। तो अभी हम टिकट कटा रहे हैं। तो अभी भाई आप टिकट ले लो। तो इधर टिकट कट रही, तब तक हम इधर आप लोगों को लोकेशन दिखा रहे हैं। तो गाइस ये गेट है जहाँ से हम लोग टिकट कटाने के लिए अंदर आए थे, और यहाँ पे बत्तख और पच्ची विहार, यहीं पे पच्ची केंद्र लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो हम गाइस पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं यहाँ के विषय में। तो आज आप लोगों को ब्लॉग में हम सारी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उन्नाव ज़िले का सबसे बड़ा पच्ची विहार यही है, पूरे ज़िले का जाना माना पच्ची विहार है। तो अभी टिकट कट चुकी है, अभी हम चल रहे हैं अंदर। तो अंदर चल के आप लोगों को फिर से दिखा रहे हैं आगे चल के क्या है। तो हम अंदर चल के आप लोगों को फिर से दिखाते हैं, ये टिकट कट चुकी है हमारी यहाँ पर। और टिकट कटाने के लिए क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड लगता है, जैसा कि हमने अपना आधार कार्ड दे दिया है यहाँ पे, और आधार कार्ड के बिना यहाँ अलाउ नहीं है। फिर वह यहाँ पर आए तो आधार कार्ड लेकर अपनी आईडी जरूर रहे। तो गाइस हमें टिकट मिल चुकी है, ये रही हमारी टिकट, और हम लोग अब चल रहे हैं तीनों लोग अंदर, घूमेंगे सैर करेंगे। और पहली बार आए हैं तो हमें देखना है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम तीन लोग हैं, तीनों लोग अंदर खूब मज़े करेंगे। गाड़ी हमने बाहर खड़ी कर दी है भाई, गाड़ी लॉक की है, तो गाड़ी हमारी लॉक खड़ी है, और गाड़ी अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो आप लोग सामने देखिए, सामने का ये सारा नज़ारा है। यहाँ पे अभी सारस बकुला सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी रियल में नहीं दिखाई दिए, सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। भाई टिकट पकड़ो जरा,
दीपक। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं खाली पोस्टर ही मिलेंगे या अंदर रियल में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कोई पक्षी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जंगल जरूर दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं टोटल जंगल, इधर भी जंगल है और टोटल इधर भी जंगल है, तो सारे तरफ बस जंगल ही जंगल है। और यहाँ एक बोर्ड में लिखा था बंदरों से सावधान, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लिखा था बोर्ड में कि बंदर से सावधान। तो जिला उन्नाव का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, इसलिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन्नाव जिले की सारी आग जलाना अच्छी अच्छी जगह आपको इसी वीडियो पे देखने को मिलेंगे। राजपुर ब्लॉक 1.7 में। चलिए अभी मिलते हैं आगे, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे अब आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ है पक्षियों का विहार। मतलब यहाँ पर कमल का फूल यहाँ काफी दिखाई दे रहे हैं और यही कमल की खेती है। आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाए बस कमल की खेती है यहाँ। और सामने एक कमल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर तोड़ कहाँ सकते हैं भाई। तो भाई जितने सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं ये सब कमल के फूल हैं। यहीं आप लोगों को सबसे ज़्यादा उन्नाव जिले में सबसे ज़्यादा देखने को यहीं कमल मिलेगा, क्योंकि कमल हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं है। और सबसे ज़्यादा कमल कीचड़ में पाया जाता है, तो क्या सीन है यहाँ, काफ़ी सारा कीचड़ है और इसमें काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जैसे कि एक एक मछली नहीं कुछ 20-20 किलो की मछली तो 100% होनी चाहिए। क्योंकि बहुत काफ़ी पुराना पानी है यहाँ पे, काफ़ी दिनों से है, क्योंकि दलदल है यहाँ पे, इसीलिए कमल का फूल इसी में पाया जाता है। तो चलते हैं अभी आगे, आगे की लोकेशन आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर चढ़ के। और ये देखिए आप लोग ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर ऊपर चढ़ के हम लोग जा रहे हैं, तो ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई सामने की सीढ़ी, दोस्तों लोग हमारे चढ़ रहे हैं, तो अभी हम भी ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आप लोगों को। अब पूरा नहीं है तो हम गाइस 4 माले की सीढ़ी चढ़ के आए हैं ऊपर, तो आप लोग तो आप लोग देखिए काफी दूर तक का है कमल, जितने सफेद दिखाई दे रहे होंगे वो कमल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग इतने ऊंचे घूमने की जगह भी है और बहुत जंगल सबसे ज्यादा यहाँ पर है, आप लोगों को जंगल देखने को यहाँ बहुत ज्यादा मिलेगा। चलिए अभी नीचे चलते हैं। तो गाइस सामने हम जा रहे हैं, अभी शुरू किया है घूमना, तो अभी दूसरी रास्ता है ये जा रहे हैं, और ये सब लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं कहीं बकत दिखाई दी है, तो कहाँ पर है भाई वो नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरफ देखिए लकड़ी से बनाया गया है दोनों तरफ रास्ता, जिसको बैरियल बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ ना जा सकें। तो अभी चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पर लकड़ी की कुर्सी हमें मिल चुकी है और दोस्त लोग यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। ये लकड़ी की कुर्सी, ये लकड़ी की कुर्सी है, यहाँ पर ही फोटो शूट हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोस्त लोग ये फोटो खिंचा रहे हैं और खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमते हुए। तो अभी नई जगह एक और दिखाते हैं आप लोगों को, अभी सिर्फ टोटल जंगल ही जंगल देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जंगल है,
जंगल की ही जंगल है। तो अभी आप लोगों को इधर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को।